Good morning dear students welcome back to your english class today our topic is doing words as we are doing grammar work so let's start do you know what are action words or doing words these are also known as verbs so do you know what are these okay if you don't know, first tell me what you are doing right now. You are watching my video, right? And what I am doing right now? I am teaching you through this video. So, what you are doing and what I am doing is our action, right? You are watching and I am teaching. So, watching and teaching are एक्शन्स आप अभी क्या कर रहे हैं आप ये वीडियो देखकर पढ़ रहे हैं है, है ना तो आप देख रहे हैं वीडियो को और मैं क्या कर रही हूँ मैं आपको पढ़ा रही हूँ इस वीडियो के द्वारा तो मेरा पढ़ाना मेरा एक्शन है और आपका वीडियो देख पढ़ना आपका एक्शन है आप देख रहे हैं वो आपका एक्शन है और मैं पढ़ा रही हूँ वो मेरा एक्शन है सो so, द वर्ड्स दैट टेल वॉट अ पर्सन एनिमल और थिंग डज़ आर कॉल्ड डूइंग वर्ड्स तो वो वर्ड्स जो हमें बताते हैं कि एक पर्सन एनिमल या थिंग क्या कर रहे हैं उन्हें हम डूइंग वर्ड्स कहते हैं ठीक है जैसे मुझे पता है अभी आप क्या कर रहे हो आप देख रहे हो वीडियो देख रहे हो तो देखना जो है वो आपका डूइंग वर्ड है आपका काम करना है ना वो आपका एक्शन है ठीक है और आपको पता है मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा पढ़ाना है लाइक मीन्स मेरा टीचिंग जो है टीचिंग इज माई एक्शन फाइन डूइंग वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एक्शन वर्ड्स डूइंग वर्ड्स को ही एक्शन वर्ड्स भी कहा जाता है एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स को ही वर्ब्स भी कहा जाता है ठीक है सो डूइंग वर्ड्स एक्शन वर्ड्स और वर्ब्स ये तीनों सेम है तीनों का एक ही मीनिंग है एक्शन और डूइंग ठीक है चलिए लेट्स रीड सम एग्जाम्पल्स नाउ कैन यू सी वॉट द बॉय इज डूइंग इन दिस क्लिप कैन यू टेल मी यस द बॉय इज ईटिंग वॉट इज डूइंग द बॉय इज ईटिंग बॉय क्या कर रहा है ही इज ईटिंग वो खा रहा है लेट्स सी ए नदर पिक्चर वट आर दट इज बॉय एंड द कैट डूइंग द गर्ल इज स्लीपिंग राइट गर्ल क्या कर रही है सो रही है एंड एज यू सी स्लीपिंग को मैंने हाईलाइट किया है रेड कलर में वाई बिकॉज दिस इज द Action of the girl. Now, what is the boy doing? He is reading, right? The boy is reading. Again, many reading ko highlight with red color. The boy is reading. So, reading is the action word. Now, what is the mother doing? द मदर इज कुकिंग फूड मदर क्या कर रही है फूड कुक कर रही है सो एक्शन वर्ड क्या है इसमें कुकिंग कुक cook करना मतलब पकाना तो मदर खाना बना रही है ना नाउ वट इज द काउ डूइंग द काउ इज ड्रिंकिंग वाटर काओ पानी पी रही है तो पानी पीने का जो एक्शन है वो क्या है पीने को बोलते हैं ड्रिंकिंग सो so, पीना जो है वो उसका एक्शन है ड्रिंकिंग इज द एक्शन वर्ड नाउ वॉट द चाइल्ड इज डूइंग यस द चाइल्ड इज क्राइंग द बेबी इज क्राइंग रो रहा है ना बेबी hmm. तो इसका एक्शन क्या है बेबी का क्राइंग फाइन

एक्शन वर्ड्स और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिन जो हमारे एक्शंस को बताते हैं किसी पर्सन प्लेस या एनिमल के एक्शन को बताते हैं सो देर आर सो मैनी वर्ड्स फाइन ऑल दीज वर्ड्स आर टेलिंग एक्शन डन बाय द पर्सन एनिमल और थिंग ये सारे वर्ड्स जो हमने अभी एग्जाम्पल्स रीड की हैं ये सारे वर्ड्स जो थे उसमें ये हमें बता रहे थे कि जो पर्सन एनिमल या थिंग जो है वो क्या एक्शन कर रहे हैं मतलब क्या वो काम कर रहे हैं ठीक है नाओ वट यू हैव टू डू लेट्स रीड फ्राम योर बुक सो टेकआउट योर ग्रामर बुक्स ओपन पेज नंबर थर्टी फोर एंड

सबसे पहले हम क्या करेंगे हम इस सेंटेंस को रीड करेंगे और फिर हम समझेंगे कि ये कर क्या रहे हैं क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ठीक है चलिए जे ए एन वी आई जानवी आई एस इज़ डब्ल्यू ए एल के आई एन जी वॉकिंग टी ओ टू एस सी एच डबल ओ एल स्कूल जानवी इज़ वॉकिंग टू स्कूल जानवी नाम है स्कूल जगह है क्या कर रही है जानवी वॉकिंग टू स्कूल तो जानवी जो है वो स्कूल की तरफ जा रही है तो एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड क्या है क्या कर रही है वो वॉक कर रही है सो वॉकिंग इज अ डूइंग वर्ड फाइन नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट फ्रॉग्स आर क्रोकिंग फ्रॉग्स जब आवाज करते हैं ना आपने सुना होगा फ्रॉग्स कैसे आवाज करते हैं हाँ वो जो साउंड निकालते हैं उसको बोलते हैं क्रोकिंग तो फ्रॉग्स क्या कर रहे हैं क्रोक कर रहे हैं तो यहाँ पे उनका एक्शन वर्ड्स क्या है वर्ड क्या है क्रोक वो क्रोक कर रहे हैं आवाज निकाल रहे हैं फ्रॉग्स फ्रॉग्स क्या कर रहे हैं क्रोकिंग कर रहे हैं नेक्स्ट है दैट बॉय इज जंपिंग इन टू द पूल अब बॉय है वो क्या कर रहा है पूल में जंप कर रहा है बॉय इज जंपिंग इन टू पूल तो अब यहां पे डूइंग वर्ड कौन सा होगा यस yes, यहां पे जंपिंग क्योंकि वो जंप कर रहा है ना जंप उसका एक्शन है सो जंपिंग इज द डूइंग वर्ड शी क्लींस द हाउस वह हाउस को क्लीन कर रही है क्लीन मतलब साफ कर रही है तो यहाँ पे एक्शन वर्ड क्या है क्लीन साफ करना है ना शी प्रनाउन है हाउस नाउन है तो क्लीन जो है वो है एक्शन वर्ड नेक्स्ट द बेबी स्माइल्स स्वीटली बेबी जो है वो कैसे स्माइल करता है स्वीटली स्माइल करता है मतलब अच्छे से स्माइल करता है तो अब यहाँ पे एक्शन वर्ड क्या होगा क्या कर रहा है बेबी व्हाट इज डूइंग ही इज स्माइलिंग सो स्माइल इज द

लुक एट द फर्स्ट पिक्चर What इज बॉय डूइंग ये बॉय क्या कर रहा है पिक्चर में ध्यान से देखिए ये पानी में तैर रहा है है ना तो तैरने को क्या बोलते हैं पेंट ईट ड्राइव स्विम प्ले और राइट यस इट्स स्विम क्या कर रहा है बॉय स्विम कर रहा है तो स्विम जो है ये इसका एक्शन है ठीक है नाउ लेट सी द सेकेंड पिक्चर गर्ल क्या कर रही है व्हाट शी इज डूइंग ये क्या कर रही है बताइए पेंट ईट ड्राइव प्ले और राइट हाँ ये रैकेट पकड़ा है तो इट मीन्स शी इज प्लेइंग तो ये क्या कर रही है कौन सा एक्शन कर रही है प्ले ठीक है चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट व्हाट इज ही डूइंग मंकी क्या कर रहा है वॉट इज ही डूइंग ही इज ईटिंग समथिंग राइट ही इज ईटिंग अ बनाना सो वॉट इज द एक्शन ही इज परफॉर्मिंग ही इज ईटिंग सो ईट जो है दैट इज द एक्शन वर्ड नाउ लेट सी द नेक्स्ट वन व्हाट इज शी डूइंग ये गर्ल क्या कर रही है शी इज राइटिंग समथिंग वो लिख रही है कुछ सो एक्शन वर्ड इसका है राइट

ये पेंट कर रहा है सो so, ये पिक्चर्स देख के आपने एक्शंस को आइडेंटिफाई करना है फाइन आज हम इतना ही करेंगे बाकी हम कल करेंगे ओके सो डू दिस ऑन योर ग्रामर बुक एंड रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू